काम है निराले, फंस गए गुरु, झमेला हुआ शुरू। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की झूठी कथा, ये कैसी चल रही प्रथा। बुरे फंसे बाबा बागेश्वर सरकार, मुसीबत मूसलाधार। नागपुर में हारे, रायपुर में दहाड़े, बाबा के काम फर्जी है सारे। 19 दिसंबर 2014 को आमिर खान और अनुष्का शर्मा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पीके। भला उस फिल्म को कौन भूल सकता है। तपस्वी महाराज का सामना आमिर खान यानी पीके से होता है, जिसके बाद ई रॉन्ग नंबर है की गूंज गूंजने लगती है। अब ऐसा ही कुछ देश में भी लंबे समय से हो रहा था। अचानक नागपुर में एक बाबा की सभा होती है और वहां से किसी सज्जन ने रॉन्ग नंबर की आवाज उठा दी। अब बाबा को सफाई देनी पड़ रही है। ये वो बाबा हैं जिनके कारनामे एक नहीं अनेक हैं। बाबा का मन जितना निराला है उतनी जल्दी ही बाबा की जुबान से ताला भी टूट जाता है। सनातन धर्म की आड़ में बाबा ने ऐसी रास लीला की है जो किसी फिल्म से कम नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियां बटोर चुके बाबा के चमत्कार की जितनी तारीफ की जाए कम है। बाबा पलक झपकते ही ऐसा जादू दिखाते हैं कि दुनिया छोड़ चुके मशहूर जादूगर ओपी शर्मा की आत्मा भी धरती पर आने को मंडरा रही होगी। हालांकि बाबा के चमत्कारी खेल का पर्दाफाश जब हुआ तो सारे राज खुद बाबा ने उड़ेल दिए। अब तो कहते फिर रहे हैं कि मेरे अंदर कोई चमत्कार नहीं है और ना ही हम कोई जादूगर हैं। लोगों के ऊपर से भूत के प्रकोप को हटाने वाले बाबा अब खुद विवादों में फंसे हैं। पूरा मामला जानेंगे, उससे पहले आपको बताएंगे कि ये बाबा कौन हैं और किस वजह से अब चर्चा में आए हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर के बागेश्वर धाम बाबा या कहें तो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में घिरे हैं। चर्चा में इसलिए हैं कि बागेश्वर धाम की शोहरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनके पास लोगों की भीड़ उमड़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं और धर्मांतरण के विरोध में अक्सर बयान देते हैं। क्या है विवाद? सारा विवाद नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव के बयान के बाद शुरू हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हाल ही में नागपुर गए थे, वहां उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया। हालांकि राम कथा खत्म होने से दो दिन पहले ही चले गए। इस पर समिति ने अंधविश्वास फैलाने और डर का दरबार बताया, साथ ही भक्तों की समस्याएं और उनको लेकर किए जाने वाले दावों को सिद्ध करने के लिए कहा था। जिसके बाद से बागेश्वर धाम बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए और लगातार अभी भी चर्चा में ही है। क्या कह रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम? नागपुर मामले के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री सफाई दे रहे हैं और आरोप लगाने वालों को रायपुर की कथा में आने का चैलेंज दे रहे हैं। बाबा कहते फिर रहे हैं कि रायपुर की कथा में आए और आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगा। बाबा के विवादों की कथा जब मीडिया जगत में फैली तो बाबा को सामने आना पड़ा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बाबा इंटरव्यू भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कोई संत नहीं है बल्कि अपने ईष्ट को मानते हैं। सनातन धर्म के सवालों पर भी बाबा खूब चौड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर बुलडोजर चलता है तो चलना चाहिए। हालांकि बाबा का ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई बयान बाबा बागेश्वर धाम के वायरल हो चुके हैं। ऐसे में अब कथा छोड़कर भागने और झूठ फैलाने के आरोपों पर बागेश्वर धाम बाबा को सफाई भी देनी पड़ रही है।